Hello students, today I am going to explain you the internal structure of ovary. Students, previous video के अंदर हमने female reproductive system को पूरा discuss किया था और उसमें मैंने आपको ovary की morphology के बारे में बताया था. Outer structure हमने discuss की थी. Now we will do the internal structure of ovary. Ovary का internal structure क्या होता है, इनमें किस तरह से follicles बनते हैं और egg का formation कैसे होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे. स्टूडेंट्स, ओवरी जो होती है वो वन पेयर होता है, इसका टू ओवरीज होती है. एंड ओवरी की जो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे इंटरनल, तो ओवरी को देखने पर ये बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर होती है, ओवल शेप में है, एमन शेप की होती है और बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड और डेंस स्ट्रक्चर होती है, जिसकी जो सबसे बाहर की आउटर कवरिंग होती है. यहाँ पर मैंने ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाया है और इसमें जो बिल्कुल आपको ये आउटर लेयर नजर आ रही है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ ओवरी एंड इट इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम. इट इज नॉन एज विसरल पेरिटोनियम. ये विसरल पेरिटोनियम की नाम से जानी जाती है. और जो इसकी इनर लेयर होती है, इनर लेयर जो बिल्कुल अंदर की तरफ आपको दिख रही है, इट इज द व्हाइट फाइब्रस लेयर. ये एक व्हाइट कलर की फाइब्रस लेयर होती है एंड इट इज नॉन एज, इसे हम नाम देते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया. आपने पहले भी इसका नाम सुना है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द इनर लेयर ऑफ ओवरी. इन दोनों लेयर्स के बीच में यानी इन अंदर की तरफ एक और लेयर प्रेजेंट होती है एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज, ये जो आपको वन लेयर सिंगल लेयर की जो लेयर दिख रही है, इट इज कॉल्ड जर्माइनल एपिथीलियम. ये जर्माइनल एपिथीलियम होती है जो कि मेन लेयर से जिससे कि ओवा का फॉर्मेशन होगा. तो बेसिकली आपको यहाँ पे थ्री लेयर नजर आ रही है. आउटर लेयर इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम, इनर लेयर इज कॉल्ड व्हाइट फाइबर्स टिश्यू की जो बनी होती है, इट इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड दोनों के बीच में जो लेयर होती है, सिंगल लेयर जो आपको दिख रही है, दैट इज जर्मिनल एपिथीलियम. इसमें जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है. अब हम इसके अंदर की स्ट्रक्चर देखें. ओवरी का जो पूरा पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट होल टिश्यू इज नोन एज स्ट्रोमा. इसे हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं और ये स्ट्रोमा जो होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. जो बाहर वाला एरिया आपको दिख रहा है, ओवरी का जो बिल्कुल बाहर वाला एरिया है, इस एरिया को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और कॉर्टेक्स के अंदर डेवलपिंग फॉलिकल्स आपको नजर आएंगे और कुछ इंटरस्टीशियल सेल्स होती हैं और डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगी फॉलिकल्स क्या होते हैं. तो इन फॉलिकल्स से ही आगे जाके एग का फॉर्मेशन होगा. तो आउटर जो एरिया होता है वो थोड़ा सा डेंस होता है, उसमें फॉलिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है. और जो इनर एरिया आपको दिख रहा है, स्ट्रोमा का जो इनर एरिया होता है, इट इज कॉल्ड मेडुला. इसे हम मेडुला के नाम से जानते हैं और इस एरिया में कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अलावा लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, इसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये इंटरनल एरिया में आपको नजर आएगा, जो कि बिल्कुल बीच वाला एरिया आपको दिख रहा है. तो ये तो हमने बात की इसके अंदर के पार्ट्स की. अब हम स्ट्रोमा के अंदर जो कॉर्टेक्स और मेडुला है, इसमें मेडुला वाला रीजन मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स वगैरह ये मिलेंगे आपको, लेकिन जो हमारा मेन फोकस हमें करना है वो है आउटर एरिया एंड इट इज नोन एज कॉर्टेक्स. और कॉर्टेक्स में क्योंकि डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, तो ये कैसे बनते हैं, इनको हमें स्टडी करना है. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने अभी ऊजेनेसिस नहीं पढ़ा है, ऊजेनेसिस हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऊजेनेसिस का मींस होता है, ओवा का फॉर्मेशन यानी एग का फॉर्मेशन कैसे होगा. तो जब भी हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या फीमेल की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फीमेल के अंदर बर्थ से पहले ही जब सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है, जब जो बेबी होता है वो यूट्रस में ही होता है, उसकी बर्थ नहीं होती, उसके पहले ही जब उसका सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है कि ये मेल है या फीमेल, तब ही उसमें फॉलिकल्स बन जाते हैं. जितने भी फॉलिकल्स बनने होते हैं एक फीमेल बॉडी के अंदर, वो उसकी बर्थ से पहले ही बन चुके होते हैं और ये नंबर्स में 20 लाख तक होते हैं. 20 लाख तक आपको फॉलिकल्स मिलेंगे किसी भी फीमेल के अंदर जब उसका बर्थ नहीं होता उसके पहले. लेकिन जैसे ही बर्थ होने के बाद प्यूबर्टी एज तक आते आते, क्योंकि आप जानते हैं प्यूबर्टी एज तक, प्यूबर्टी एज में ही रिप्रोडक्टिव जो पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है वो फंक्शनल होता है. तो रिप्रोडक्टिव एज तक आते आते सभी जो फॉलिकल्स हैं उनमें से 4 लेग फॉलिकल्स बचे रहते हैं, बाकी के फॉलिकल्स धीरे 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 डीजनरेट होते चले जाते हैं. बनते इतने हैं लेकिन वो डीजनरेट हो जाते हैं और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओनली 4 लेग फॉलिकल्स आपको नजर आएंगे. ये फॉलिकल्स जो होते हैं, इनमें से भी जो फॉलिकल्स होते हैं 450 के लगभग फॉलिकल्स होते हैं, वो ही फॉलिकल्स आगे जाके एग में चेंज होते हैं.
आप सब जानते हैं कि फीमेल के अंदर जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, यानी मंथ में एक ओवा रिलीज होता है ना, तो एक मंथ में एक ओवा रिलीज होता है, तो ऐसे आपके पास फॉलिकल्स कितने बचे, 450, और ये 450 फॉलिकल्स ही आगे जाके किसमें कन्वर्ट होते हैं, एग में। तो ये सिलसिला कब तक चलता है, जब तक कि मेनोपॉज नहीं आ जाता। आप जानते हैं मेनोपॉज वो टाइम होता है जब मेनस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, और इसका मतलब है ओव्यूलेशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जितने भी ओवा होते हैं, जितने भी फॉलिकल्स थे हमारे 450 तक, वो धीरे धीरे वन बाय वन खत्म होते चले जाते हैं, और मेनोपॉज तक आते आते सभी खत्म हो जाते हैं, तो फिर ओव्यूलेशन का प्रोसेस यानी एग का रिलीज होना नहीं होता। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि 450 ही फॉलिकल्स बचे रहेंगे जो कि मैच्योर होंगे हर मंथ में एक एक सेल के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि ये फॉलिकल्स किस तरीके से बनते हैं। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं इनिशियली जो ये एरिया आपको कॉर्टेक्स का दिख रहा है, यहाँ पर जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये फॉलिकल्स कैसे बनते हैं, जो कि जर्माइनल एपिथेलियम आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, यानी यहाँ पर जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है। ये सभी जर्म सेल्स क्या होती है, आगे जाके यहाँ से निकलकर जर्म सेल्स सेंटर में आ जाती है ओवरी के, और ये ओगोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। इनमें मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, यानी माइटोटिक डिवीजन होता है जर्म सेल्स में, एंड ये कन्वर्ट हो जाती है ओगोनिया में। ओगोनिया वो सेल्स होती है जो आगे जाके क्या बनाएगी, प्राइमरी ओसाइट। ये सब आप चीजें ओजेनेसिस में पढ़ेंगे दोबारा, पर यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज समझनी होगी कि जो ओगोनिया सेल्स हैं वो ही आगे जाके किसमें कन्वर्ट होगी, एग में कन्वर्ट होगी। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी होता है। जो उस ये ओगोनिया सेल्स होती है, सबसे पहले ये प्राइमरी ओसाइट में चेंज होती है, देन ये चेंज होती है सेकेंडरी ओसाइट के अंदर, और सेकेंडरी ओसाइट ही ओवरी से रिलीज होकर अल्टीमेटली एग में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि जैसे ही ये ओगोनिया सेल्स बहुत सारी सेंटर पे आती हैं, इनमें से कुछ सेल्स तो प्राइमरी ओसाइट में चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो सेल्स बाकी की बचती हैं, जिन्हें हम फॉलिकल सेल्स या ग्रेन्यूलोसा सेल्स के नाम से भी जानते हैं, वो इस ओसाइट पे, आप देख रहे हैं प्राइमरी ओसाइट है, इस प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ जो ये सेल्स आपको नजर आ रही है, ये सेल्स वो सेल्स हैं जिन्हें हम फॉलिकल सेल्स या ग्रेन्यूलोसा सेल्स कहते हैं, जो प्राइमरी ओसाइट को कवर कर लेती है, इसको फर्दर न्यूट्रिशन वगैरह देती है। इनमें से कई सीक्वेशंस होते हैं जिनसे इनको न्यूट्रिशन मिलता है। धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ती है, और आप ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल होता है, इसमें और ग्रेन्यूलोसा की सेल्स बनती है, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में डीजनरेसी भी होती है, कुछ सेल्स खत्म होती चली जाती है बीच में, और यहाँ पर आपको दिख रही है छोटी छोटी कैविटीज बन जाती है। ये स्पेसेस आपको सेकेंडरी फॉलिकल में नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे स्पेसेस इसमें कैविटीज इसमें बन जाती है। बाहर वाली सेल्स हमारी वही ग्रेन्यूलोसा सेल्स है, इनकी और लेयर्स के ऊपर बनने लगती है। सेकेंडरी फॉलिकल की साइज बढ़ती जाएगी तो ग्रेन्यूलोसा की जो लेयर्स है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आएगी, दिस इज द टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में आप देख रहे हैं देयर इज अ बिग डिफरेंस। ये जो छोटी छोटी कैविटीज बनी थी, अल्टीमेटली ये सभी कैविटीज मर्ज हो जाती है, आपस में मर्ज होकर ये एक बड़ी कैविटी बना लेती है, और आपको यहाँ पर जो ये पूरा स्पेस नजर आ रहा है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, दिस इज दी जो स्पेस है, दिस इज द कैविटी, एंड दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम। हम यहाँ पर इसकी डिटेल स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे। तो ये कैविटी यहाँ पर बन जाती है एंट्रम, और इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये अब जैसे जैसे फॉलिकल जो सेल्स इसके चारों तरफ बनती चली जाती है, अंदर भी डेवलपमेंट चलता रहता है। पहले प्राइमरी ओसाइट बना था, फिर क्या बनता है, मियोसिस डिविजन्स होते हैं, और उससे बनता है सेकेंडरी ओसाइट। तो ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सेकेंडरी ओसाइट है, और इसके चारों तरफ जो सेल्स से कवर किया है वो ग्रेन्यूलोसा सेल्स है, लेकिन इनकी लेयर्स और ज्यादा बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली इन्हें हम थीका के नाम से जानते हैं। जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम इंटरना बोलते हैं, और जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है ग्रेन्यूलोसा सेल्स की, उसे हम एक्सटर्ना बोलते हैं। ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर आपको दिखेगी। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसकी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बता रखी है। इस स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे, ये टर्शियरी फॉलिकल ही है, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसमें ग्रोथ होती है, एंड इट विल बी चेंज इनटू ग्रेफियन फॉलिकल, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉलिकल, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल से ही आगे जाके एक का फॉर्मेशन होगा। तो ये अल्टीमेटली टर्शियरी फॉलिकल है, या इसे हम कह सकते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। इसके अंदर आपको एक लार्ज कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं, और इस एंट्रम के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल होता है जिसका नाम है लिक्वर फॉलिक्यूली, इसको हम लिक्वर फॉलिक्यूली के नाम से जानते हैं।
लिक्वा फॉलिक्यूली के नाम से जानते हैं। ये फ्लूड इसके अंदर फिल होता है और बाहर वाली लेयर से मैंने आपको बताई है कि जो बाहर की लेयर है इट इज कॉल्ड एक्सटर्ना एंड जो अंदर की थीका लेयर होती है इसे हम इंटरना बोलते हैं। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी ऑसाइट की। आपको जो राउंड स्ट्रक्चर बीच में नजर आ रही है इट इज द सेकेंडरी ऑसाइट और ये सेकेंडरी ऑसाइट के बाहर आपको टू लेयर्स और नजर आएगी। सेकेंडरी ऑसाइट के बाहर की तरफ जो पहली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड जोना पेरुसिला और इस जोना पेरुसिला के बाहर आपको एक सेल्स और नजर आ रही है, ऐसी कॉलमन सेल्स होती है। ये इन सेल्स को हम बोलते हैं दे आर नॉन एज द लेयर इज नॉन एज कोरोना रेडिएटा। तो याद रखिए बच्चों कि जो सेकेंडरी ऑसाइट होता है उसके ऊपर टू लेयर्स की कवरिंग होती है। अंदर वाली लेयर जो होती है इट इज कॉल्ड जोना पेरुसिला जो कि थिन लेयर होती है एंड बाहर वाली थिक और कॉलमर सेल्स की बनी होती है इट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है इसके अंदर सेकेंडरी ऑसाइट है और ये स्ट्रक्चर जो पूरी है इट इज कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर और नजर आएगी। आपने देखा कि सेकेंडरी ऑसाइट जो है पूरी कैविटी फ्लूइड फिल्ड है, इसके अंदर फ्लूइड है लेकिन एक जगह पर आपको सेल्स का एक स्टॉक सा नजर आ रहा है और ये अटैचमेंट है। टर्शियरी फॉलिकल से ये सेकेंडरी ऑसाइट जो है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है सेल्स की बनी हुई, उससे कनेक्ट हो जाता है। तो ये कनेक्टिंग पार्ट जो है इट इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं क्यूम्यूलस ऑफोरस। इसे हम बोलते हैं क्यूम्यूलस ऑफोरस के नाम से जानते हैं। ये वो स्टॉक होता है जो सेकेंडरी ऑसाइट को किससे कनेक्ट कर रहा है, इन जो सेल्स ये जो आपका टर्शियरी फॉलिकल है इसकी जो लेयर्स हैं इनसे ये इसे कनेक्ट करके रखता है। तो इसे हम बोलते हैं क्यूम्यूलस ऑफोरस के नाम से। तो यही स्ट्रक्चर सेम आपकी यही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ ग्रोथ हो रही है फॉलिकल्स की। प्राइमरी फॉलिकल किसमें बन रहे, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल किसमें बन रहे, टर्शियरी फॉलिकल और जिसे हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। और अंदर आपके इसमें क्या है, सेकेंडरी ऑसाइट। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल मेच्योर हो जाता है और मेच्योर होने के बाद ये रप्चर होता है बेटा और रप्चर होने के बाद इसमें से सेकेंडरी ऑसाइट निकलता है जो कि आगे जाके इसका पूरा मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होकर वो एग में बदल जाता है या ओवा में बदल जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेज में आप देख रहे हैं ये जो फॉलिकल है ये रप्चर हो गया है और रप्चर होने के बाद ये देखिए यहां से ये सेकेंडरी जो ऑसाइट है वो बाहर की तरफ निकल गया है और दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में आप जानते हैं कि फीमेल के अंदर मंथ में 15th डे को 14th से लेकर 16th डे तक मानते हैं 3 डेज में ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो सकता है, यानी उसमें से जो सेकेंडरी ऑसाइट है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है और एक आगे जाके ये ही फ्यूज होता है किससे, स्पर्म से। तो यहाँ पर ये रिलीज होकर सेकेंडरी ऑसाइट बाहर निकल गया है एंड दैट स्टेज इज नोन एज ओव्यूलेशन, इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये ऑसाइट तो निकल गया है लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बची हुई है यानी रिलीज होने के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल बचा रहता है टर्शियरी फॉलिकल, इट विल बी चेंज इनटू अनदर स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर बनेगी और ये देखिए डेवलपिंग है और यहाँ पर ये फुली कॉर्पस ल्यूटियम बन गई है। इट इज द येलो बॉडी, इसे हम येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज वेरी नेसेसरी। अगर फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म और ओवा का तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत हेल्पफुल होती है प्रेगनेंसी के लिए क्योंकि इससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन और आप जानते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हार्मोन आगे जाके यूट्रस की वॉल को थिक करेगा और जो टिश्यू बनता है प्लेसेंटा वगैरह इनको फॉर्म करेगा जिससे कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियोस को फुल न्यूट्रिशन मिले। यानी कॉर्पस ल्यूटियम का रोल जो होता है वो क्या होता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन यानी कि प्रेगनेंसी में हेल्प करती है। बट इन द अनदर केस अगर ऐसा नहीं होता है कि फ्यूजन नहीं हुआ है तो फिर यूजलेस है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का कोई यूज नहीं होगा क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो इट विल बी बस खराब हो जाती है ये और डिजेनरेट होकर और स्ट्रक्चर में बदलती है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस एल्बिगेंस। ये व्हाइट बॉडी के नाम से जानी जाती है, इसका कलर व्हाइट होता है, कॉर्पस एल्बिगेंस में बदल जाएगी। कब बदलेगी, जबकि फ्यूजन नहीं हुआ है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है और अगर हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम फुली डेवलप रहती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है जिसमें हमें ये समझना है क्योंकि आप जानते हैं ओवरी से ही मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है एग या जिसे हम ओवा कहते हैं। तो वो कैसे बनता है तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बनने का प्रोसेस होता है बेटा वो प्यूबर्टी एज से ही ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होगा यानी हर मंथ में ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है और इससे ऑसाइट निकलता है, ओवा निकलता है, तो ये प्रोसेस हमेशा प्यूबर्टी एज से ही शुरू होता है।
इसके पहले बर्थ से पहले भी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब तक प्यूबर्टी एज आती है अधिकांश खत्म हो जाते हैं और आपके 4 लेग तक रहेंगे, लेकिन उनमें से भी जो मेच्योर होते हैं किसमें ओवा के अंदर मेच्योर होंगे वो सिर्फ 450 ही होते हैं। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि मेनोपॉज की एज किसी में 50 किसी में 45 भी होती है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने फॉलिकल बचे हुए हैं, क्योंकि हर फॉलिकल हर मंथ में मेच्योर होता है और मेच्योर होकर वो इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो जो आउटर लेयर आपको दिख रही है, आउटर पार्ट में आपको बताया कौन सा कॉर्टेक्स, उसके अंदर आपको डेवलपिंग फॉलिकल्स भी नजर आएंगे। प्राइमरी चेंज होंगे सेकेंडरी चेंज होंगे टर्शियरी। ये तो बाहर की लेयर से ग्रेन्युलोसा जो इसको बना रही है, अंदर भी प्रोसेस चल रहा है एंजियोजेनेसिस का, यानी प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट होगा सेकेंडरी ओसाइट के अंदर और सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होकर बाहर निकल जाएगा एंड ये ही ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इसमें आपको अलग से यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर दी है ग्रेवियन फॉलिकल की, ये भी ध्यान रखनी है कि इनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है और उनके क्या क्या नियम है। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा या वजाइना के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे।